नर्मदा नदी के अंदर आ चुका हूँ। ये बॉर्डर नर्मदा नदी का ये बॉर्डर है, उस साइड में आप देख पा रहे हो नर्मदा नदी है। ये सारे पिलर्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो कितने सारे पिलर्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। गिनती लगा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोस्ट ऑफली बहुत सारे पिलर्स का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ का वीडियोज़ बनाया तब कुछ हुआ नहीं था, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना डेवलप हो चुका है। कुछ मटेरियल्स पहुँचाया जा रहे हैं, ये है नर्मदा नदी। और इस साइड पर जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर, दोनों वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर का भी काम चल रहा है यहाँ पर। आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियोस बना के दिखाया था, तीन कॉरिडोर यहाँ पर काम चल रहा है, फास्ट चल रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का। तो फाइनली आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ सारा काम, यहाँ पर पिलर्स का काम चालू हो चुका है। आपको न्यू अपडेट इसका, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का, फाइनली बहुत सारे पिलर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सामने भी देख रहे हो बुलेट ट्रेन का ही काम चल रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो पर। सो गाइज, मेरा नाम है सोनू, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का भरूच सेक्शन 4 में नर्मदा रिवर पर कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो बैक साइड पर आप देख सकते हो, ये जो है नर्मदा नदी पर ऊपर जो है ना ब्रिज का काम चल रहा है बुलेट ट्रेन का। तो फाइनली इस साइड पर जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर, इधर ही काम चल रहा है। सो गाइज, पूरा अपडेट मैं आज आपको यहाँ का देने वाला हूँ कितना इसका वर्क हुआ है। तो फाइनली बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाया था, तो भाई चले अंदर चलते हैं, व्यूज़ देखते हैं कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। फाइनली तो यहाँ पर जो है पाइप्स भी आ रहे हैं, जो नदी के अंदर जो पिलर के अंदर डाले जाते हैं वो पाइप्स यहाँ पर बहुत अंदर आ चुके हैं। तो बहुत सारा काम यहाँ पर स्टार्ट है। अब बाजू में देख सकते हो कितने पिलर्स का काम यहाँ पर चालू है। पूरा ग्राउंड जीरो से अपडेट मैं आपको यहाँ का दे रहा हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ग्राउंड जीरो से अपडेट। यहाँ पर कुछ पिलर्स में काम चल रहा है, आप देख पा रहे हो जैसे भी। चले चलते हैं आगे, आगे का पूरा व्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है फाइनली। ये जो आप देख रहे हो ये पिलर्स में अभी कंक्रीट डाला जा रहा है फाइनली, ये वाली जो कंक्रीट डालने वाली मशीन है अभी कंक्रीट भरा जा रहा है पूरा। गाइस फाइनली इस ये वाले जो पिलर है इसमें जो कंक्रीट डाला जा रहा है आप देख पा रहे हो ये मशीन से, इससे मशीन से डाला जा रहा है। इस साइड पे आप देख पा रहे हो कितने पिलर्स कंप्लीट है। तो गाइस फाइनली मैं भी पूरा नज़दीक आ चुका हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कितना इसका वर्क हुआ है। तो चले चलते हैं आगे, देख पा रहे हो जैसे यहाँ पर पिलर्स का काम चल रहा है अभी फिलहाल, पिलर्स में कंक्रीट डालने का काम चल रहा है। पूरा ग्राउंड जीरो से अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ का। फाइनली नर्मदा रिवर का अंदर का पूरा व्यूज मैं आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूँ नर्मदा नदी के अंदर का। यहाँ पर पिलर्स में कंक्रीट डाला जा रहा है अभी फिलहाल, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे पिलर्स रेडी हो चुके हैं। सामने पीछे वाली साइड पर आप देख पा रहे हो कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये साइड पर भी जो है पिलर्स का काम चल रहा है। सो गाइस फाइनली मैं अभी नर्मदा नदी के पास आ चुका हूँ, बैक साइड पर आप देख सकते हो नर्मदा नदी है।
यहाँ पर नर्मदा नदी पर भी जो है बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन अभी चालू हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने वीडियोस बनाया था तब इसका कुछ काम नहीं हुआ था। फाइनली आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा हूँ, नर्मदा नदी के पास से पूरा अपडेट, कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितना इसका पिलर्स का काम चल रहा है, कौन से एंगल से पिलर्स बन रहे हैं, तो पूरा व्यूज़ मैं आपको यहाँ का बताने वाला हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। फाइनली यहाँ पर जो है 3 कॉरिडोर का काम चल रहा है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का, वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर का और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाजू में ही जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है। सामने वाली साइड पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर इसके बाजू में है, पहले आएगा वेस्टर्न डीएफसी, उसके बाद जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको लास्ट टाइम इसका वीडियोज भी बना के दिखा दिया था। तो फाइनली इस साइड पर जो है बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, यहाँ पर आपको पिलर्स दिखाई जा रहे हैं, कितने पिलर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं इस साइड से लेकर इस साइड तक, मैंने आपको आगे का भी अपडेट पूरा बता दिया है। तो फाइनली आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर जो है ना अभी पिलर्स का काम चल रहा है, जहाज को लेकर मटेरियल्स यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है जहाज से। तो फाइनली ये पिलर्स भी इसके अंदर मटेरियल डाला जा रहा है, देख रहे हो अभी आगे बहुत सारा काम इसका चल रहा है, तो आपको आगे का भी व्यूज़ मैं बताने वाला हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। देख रहे हो ये छोटी सी जहाज से मटेरियल्स या तो फिर वर्करों को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर एक स्थाई पुल भी बनाया जाएगा, मतलब जब तक ये बुलेट ट्रेन का काम चालू होता है तब तक एक छोटा सा पुल भी बनाया जाएगा, छोटा सा ब्रिज जैसा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर पे भी एक स्थाई पुल बनाया गया था, वैसे यहाँ पर भी बनाया जाएगा, तो इसके वर्करों को जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो फाइनली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का भरूच सेक्शन 4 का नर्मदा रिवर पर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, आज मैं आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ से आया है, इस साइड से मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया है। ये पिलर्स में बनाने में टाइम लगता है क्योंकि ये बड़े वाले पिलर्स आते हैं, मैंने आपको साइड पर भी बताया है 2-3 वीडियोज़ में, वो जो पिलर्स आते हैं वो थोड़े शॉर्ट पिलर आते, बड़े नहीं आते, क्योंकि ये पानी में पानी निकलने के लिए, इसको पानी कटाव के लिए गोल पिलर बनाया जाता है। आपको आपने देखा होगा नदियों में गोल पिलर ही बनाए जाते हैं क्योंकि पानी को कटाने के लिए, मतलब पानी निकल जाना चाहिए तुरंत, उसको पानी को अटकना नहीं चाहिए, इसके लिए गोल्स पिलर बनाए जाते हैं हर एक नदी में। तापी नदी में मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी जो ऐसे ही पिलर्स बनाए जा रहे हैं। फाइनली तो तापी नदी में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट नेक्स्ट टाइम देने वाला हूँ। तो चले चलते हैं इस साइड पर, इस साइड से आपको थोड़ा थोड़ा व्यूज़ बता देता हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, फिर आगे जाके वीडियोज़ को भी ख़त्म करना है। चले चलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने सारे पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा दूर से व्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, क्योंकि लोहे का काम चलता है, इसके लिए आपके पास सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये अपने पास सेफ्टी नहीं है, इसके लिए अपन बाहर से ही वीडियो बना देते हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मैंने आज आपको बताया मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का सेक्शन 4 भरूच में नर्मदा रिवर पर कितना इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, पूरा ग्राउंड जीरो से अपडेट मैंने आपको दे दिया है। होप आपको पता चल गया होगा कितना इसका कंस्ट्रक्शन हो गया है 4 महीने के अंदर। लास्ट टाइम मैंने वीडियो जब बनाया था तब यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ था, फाइनली अभी बहुत सारा काम हो चुका है, आपने देख ही लिया होगा। तो वैसे ही नई नई अपडेट्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आती ही रहेगी। आपने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी आने वाला है। अभी फिलहाल में बड़ौदा का और भरूच का भी 2-3 सेक्शन का वीडियोज़ आने वाले हैं। तो फाइनली आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय।